तो भाई लोग कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से रामचरण और मेगा पावर स्टार चिरंजीवी की हाल फिलहाल रिलीज हुई एक मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म आचार्य को लेकर, जिसे कि डायरेक्शन दिया है कौटाला सिवा ने। और इस फिल्म में आपको लीडिंग में नजर आएंगे इन दोनों के अपोजिट फीमेल लीड में पूजा हेगड़े और काजल अग्रवाल। इतना ही नहीं, इनके अलावा आपको सोनू सूद भी नजर आ देंगे एक दमदार कैरेक्टर में। अगर बात करें फिल्म को लेकर तो फिल्म काफ़ी अच्छी ओपनिंग के साथ चल रही है और ऑलमोस्ट इस फिल्म ने अपना 50% तो क्या 70% जो बजट है वो रिकवर कर लिया है शुरुआती 3 दिनों के अंदर अंदर। जी हाँ, बताया जा रहा है इस फिल्म का बजट 100 करोड़ प्लस। अगर बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर तो यार ये फिल्म बहुत बढ़िया कलेक्शन कर रही है। आपको बता दूँ, पहले दिन इस फिल्म ने कमाए इंडिया से 34 करोड़ प्लस, जो कि बताया जा रहा है इस फिल्म ने 35 करोड़ प्लस कलेक्शन कर लिया था अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से बहुत ही आसानी से। और सेकेंड डे कलेक्शन कर रही थी 20 करोड़ के आसपास। अब बात की जाए फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन को लेकर कि आचार्य अपने तीसरे दिन कितना कलेक्शन कर रही है, तो आपको बता दूँ, पहली बात तो तीसरे दिन है संडे, तो जहाँ पर ये फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कलेक्शन कर रही है 4.5 करोड़ प्लस का एडवांस बुकिंग से कर चुकी है इतना तो बाबा, जिसमें से 1.5 करोड़ प्लस ये फिल्म केवल और केवल हैदराबाद से कर चुकी है। और आपको बता दूँ, आज भी फिल्म 10 से 15 करोड़ कमा रही है बहुत ही आसानी से इंडिया नेट से। यानी आप कह सकते हो ये फिल्म आसानी से इंडिया ग्रॉस कलेक्शन या फिर ये कहें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 20 करोड़ प्लस कर चुकी होगी तीसरे दिन, जहां पर इसका जो कलेक्शन आ चुका होगा 3 दिनों के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से वो आ चुका होगा 70 करोड़ प्लस। फिर आपकी क्या है राय आचार्य को लेकर, जहां पर इसको केवल और केवल तेलुगु में रिलीज किया है, अगर ये फिल्म तमिल और हिंदी वर्जन में भी रिलीज होती तो उसका कलेक्शन क्या होता? क्या इसके सामने जो 2-4 करोड़ कमा रही है हीरोपंती 2 और दृश्यम बोले तो रनवे 34, क्या वो चल पाती या फिर नहीं? आपकी राय क्या है कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।